खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। यह मामला है नगर परिषद ककरहटी के वार्ड नंबर 1 का, बसहा एवं भटिया मोहल्ला का। यहां व्याप्त पेयजल समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। आदिवासी बस्ती में लोगों द्वारा मीडिया कर्मियों को रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई गई। वार्ड नंबर 1 में पेयजल संकट से स्थानीय लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी नगर परिषद कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी, न ही सोई परिषद के कानों में जू रहेंगी। आदिवासी मोहल्ला बसहा एवं भटिया में लगभग 6 से 7 हैंडपंप हैं, जिनसे एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा है। पानी की जगह वह हवा फेंक रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओपन पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से स्वीकृत पेयजल की पाइपलाइन आज भी अधूरी पड़ी है, जो अभी तक नहीं बिछाई गई। नगरवासियों का कहना है कि नगर परिषद में जब 8 टैंकर हैं, तो इन टैंकरों से सुचारू रूप से जहां जहां पानी की समस्या है वहां क्यों नहीं भेजा जाता। तब जनता को मजबूर होकर मीडिया को बुलाना पड़ा और मीडिया के पहुंचते ही परिषद द्वारा आनन फानन में तुरंत टैंकर भेजे गए। आखिर व्यवस्था दिखाने के लिए ही की गई थी। इस संबंध में जब नगर परिषद अध्यक्ष श्याम बिहारी कोरी से बात करनी चाहिए, तो वह जवाब देने से बचते नजर आए। आखिरकार जब जवाब दे जनप्रतिनिधि ही इन गरीबों की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, तो आमजनों का क्या हाल होगा। बाढ़ का पार्षद था वहाँ, हमने कहा कि हमको समस्या की गड़बड़ है और हम टाड़ी पाथर से पानी कहाँ तक भरे। लड़का बच्चा हमारे परेशान है महाराज, इससे परेशान है। स्कूल को नल थोड़ी बहुत चला, हमने कई रात डलवा दो उसमें तो पानी सही आने लगे। हम लोगों को बोले कहें ठीक है बन जाएगा बेटा, बन रहा है महाराज, क्या करिए। मतलब आज तक अभी तक नहीं बना, कोई नहीं बनाया। आप देख लीजिए, आप चेक करने आए कहाँ चल रहा है नल। पानी कहाँ से लाना, पानी हम टाड़ी पाथर से लाई महाराज। कितनी दूर है, जो है 4-5 किलो। हम तो गरीब आदमी, हम नहीं जान पाते कितना दूर है, लेकिन 4-5 किलोमीटर बताऊता है। तैसे मील एक तो है ही है। नगर पंचायत गई थी बतावे कि पानी नहीं है। दो दाना हो आए काल गाँव लड़का पारो गाँव। अच्छा है, जब सुनाई नहीं है कौन है तो का करी। तो पानी कहाँ से लाने पड़ा। आ जा करके ठाड़ी पाथर कहा 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर भैया काल मारे गई, अब पिए लोग के पानी नहीं है। अब का कर लगी, हमारी हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ साहब श्रीमान 3 दिन से जानवर मवेशी परेशान है, मनई परेशान है। पानी बगैर बूंद बूंद पानी को तरस रहे। 2 हैंड पंप बने थे नगर पंचायत से, वहाँ आवेदन दिया, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई जवाब देने वाला है। और 4 पंप नशाने पड़े हैं आज 4-5 दिन से, बूंद बूंद पानी को तरस रहे लड़के बच्चे जानवर भैंस गाय मनुष्य। नगर पंचायत में आवेदन देते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उस चीज की पावती हमारे पास साथ, अगर बनावटी बात हो, करीब 5-6 दिन से, कोनू 8 दिन से, कोनू 5 दिन से, कोनू 4 दिन से। कितने हैंडपंप है यहाँ पे बनाने, यहाँ है 4 ठिया, चारों बंद है। चारों बंद है, चारों लिखे है ना, चारों बंद है साहब, देख लिया जाए आन करके। कोई मिस्त्री आया बनाने के लिए, नहीं आया। ठीक कहा काल साढ़े दिन अर्जे रहे हम भी। आप वार्ड के पार्षद हैं नगर पंचायत में, हम पार्षद हैं नगर पंचायत में, जाके आवेदन दिया और जो चार्ज में बाबू थे पाल, उनको हमने आवेदन दिया, उनने हमको पावती दी, उनने हमको वचन दिया कि आपकी व्यवस्था करेंगे। अब हम परखे परखे तो साहब हमारी जनता तो परखेगी, तो पानी बगैर 1 घंटा नहीं परखेगी। हम तो परखे रहेंगे 24 घंटा, तो प्यास बगैर मर जाएंगे, जनता मर रही। तो आपने लिखित में भी दिया है, लिखित में दिया साहब पार्षद ने, और वो आज तक हमारे वार्ड में कोई भी लाइन नहीं आई है और ना कोई सुनवाई है। आपने बात की नगर परिषद में। हमने बात की तो अपन ने प्रस्ताव में दस्तखत दिए और ना कोई हमारे यहाँ एक ठो पाइप आया है ऑनलाइन का, और ना कोई अभी मशीन व्यवस्था आई। खबर समय जगत के लिए जिला पन्ना ककरहटी से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।